सब आज का प्रोग्राम को अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो मेरी बारे में आपको बहुत सारी चीजें डॉक्टर साहब ने बता दिया है, क्लियर कर दी है, सारी चीजें क्लियर कर दी है, इसलिए मैं आपको ज्यादा चीजें नहीं करूंगा, बट इतना जरूर करूंगा कि जितना उन्होंने बोला उतना मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए जो जो उन्होंने बताया है वो सारा चीज। सबसे पहले तो हम चाहेंगे इन महान हस्तियों के लिए जोरदार तालियां। तो मैं बता दे रहा हूँ कि इनके छत्र छाया में जो है उनको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकता। जो इनके छत्र छाया में है और इनसे जो सीख रहा है, जो इनके शरण में है, इनको पकड़े रहना है। किनको पकड़े रहना है? जोर से बोलिए, और जोर से पकड़े रहना है। इसको छोड़ के कभी भी हटने की कोशिश नहीं करिए, नहीं तो बिखर जाइएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई नहीं पूछेगा आपको, आपका डाउनलाइन आपको नहीं पूछेगा, आप पता है आपको। इसलिए पकड़े रहे इनको। आप जब इनको पकड़ेंगे तो लोग आपको पकड़े रहेंगे, आप जब इनको छोड़ेंगे तो लोग आपको भी छोड़ देंगे। फायदा क्या है? पकड़े रहो इनको कस के। अपना इम्पावर बहुत जरूरी है। आप आरबीसी को पकड़े रहेंगे, आरबीसी के साथ रहेंगे, आरबीसी के छत्र छाया में हम आज है तो आगे बढ़ रहे हैं। आरबीसी की छत्र छाया में जो लोग हैं वो गजब का उनका ग्रोथ हो रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए क्या करना है? आरबीसी को कस के पकड़ना। ये सारे लोगों से मैं आपको बाद में परिचित कराऊंगा, ये सारे लोग आपको मिलेंगे। सबसे पहले ये मेरा परिचय, ये है 2011 का रोशन कुमार, और आपके सामने जो खड़ा है वो 2023 वाला आदमी है। बस एक फर्क है, बाल था जो कि आज आपका भी जाएगा श्रीमान, याद रखिएगा 12 साल में आपका भी साफ हो जाएगा। इसको किसको साफ करवाना है? लेडीज लोग याद उठा रहे, मतलब जेंट्स लोग बचाना चाहते हैं, लेडीज लोग साफ करना चाहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होता होगा, टाइम लगता होगा बाल झाड़ में, इसलिए हटा दो सबसे बढ़िया। खैर ऐसा होगा नहीं, जोक्स था। मेरा परिचय, मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं हुई है, बट ये डिग्री शायद आप लोग के पास नहीं होगा, आपको किसी कॉलेज में मिलेगा भी नहीं ये डिग्री जो हमको प्राप्त हुआ है। इसको बोलते हैं MPIF, इसका मतलब मैट्रिक पास इंटर फेल, इसको बोलते हैं। ये मेरा क्वालिफिकेशन है, जितना मैं पढ़ करके आया हूँ। तो ये पढ़ने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया, यहाँ के बाद जब मैंने डीएक्सएम में एंट्री मारा था तो एक चीज बड़ा क्लियर समझ में आ गया कि पढ़ाई से सफलता का कोई कनेक्शन है ही नहीं। होता तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान नहीं होता, पहले पढ़ के आओ तब तू सफल होगा, ऐसा है ही नहीं। उधर दुनिया कुछ और है, असली दुनिया कुछ और है। असली दुनिया और नकली दुनिया, आप नकली दुनिया के बारे में जान गए हैं लेकिन जीते असली दुनिया में है। जब आप असली दुनिया में आते हैं तो पता चलता अल्लाह तो सब गड़बड़ हो गया, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बीए पास हो गए, चपरासी का फार्म भर रहे हैं, अल्लाह ये क्या हो गया, ऐसे भी हो गया, सावरा खेल में पलट गया। तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो बाद में समझ में आया, उस समय नहीं समझ में आया कि उस समय मेरा दिमाग में कुछ और चल रहा था, मेरा दिमाग में IIT चल रहा था, मेरे दिमाग में इंजीनियरिंग चल रहा था, मेरे दिमाग में नौकरी चल रहा था, ये दिमाग में चढ़ा हुआ था कि मैं कुछ नहीं डीएक्शन करने वाला, मैं डीएक्शन का पक्का विरोधी आदमी था, कट्टर विरोधी आदमी, मैं सबको मना करता था नहीं करना, मेरा बाबूजी सबको बजा रहा है तुम मत फंसना, तू लोग इसमें एकदम नहीं फंसना, और मैं बार बार अपने बाबूजी को डिस्टर्ब करता था, लेकिन मैं जब तक नहीं जानता था इसके बारे में तब तक मैं ये सोचता था कि इतना दिन से लगे हैं इनको पैसा नहीं आता है, आखिर इनको हुआ क्या है, क्या कंपनी में प्रॉब्लम है या इनमें प्रॉब्लम है। तो मैं जब देखने गया तो पता चला प्रॉब्लम इनमें है। तो जिनके माँ बाप काम कर रहे हैं उनके बच्चे अगर ये सोच रहे होंगे कि मेरा माँ बाप को पैसा का नहीं आता है, बाबू तेरा जरूरत है, तेरा जरूरत है माँ बाप को जो नहीं मिल रहा है। मेरा जरूरत था मेरे पिताजी को, माँ को, जो उनको नहीं मिल पा रहा था, एक कमी खुल रही थी जिस कमी को भरना था, और वो कमी जब भरी तो तूफान आ गया बिजनेस। वो सब समझ में आया धीरे धीरे, धीरे धीरे सब कुछ पता चला, और पता चलने के बाद मेरे से केवल एक सवाल पूछा गया था कि तुमको बनना क्या है। हर बच्चा से ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि बेटा तुमको बनना क्या है, तुम पहले अपना डिसाइड कर ले। दूसरा चीज, उसको बनने के लिए समय कितना लगेगा, और तीसरा चीज, उसके लिए पैसा कितना खर्च होगा।
तो मेरे दिमाग में एक चीज फूट के भरा था कि इंजीनियरिंग करना है चाहे जैसे करना है। लेकिन सर ने बताया कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो 5 साल लगेगा कि नहीं लगेगा। नंबरा बिल्कुल लगेगा। फिर उन्होंने बताया कि अगर 5 साल का वक्त तुमको लगेगा, पैसा कितना खर्च होगा ये सोचो। मुश्किल से 20 लाख रुपया तो खर्च होगा ही होगा, इतना आसान तो नहीं है। 20 लाख रुपया खर्च होगा। मैं सोचा कि 20 लाख रुपया भी लगेगा, 5 साल का टाइम भी लगेगा, और उसके बाद अगर लग गई नौकरी तो 25,000, नहीं लगी हो गया। तब सर हमसे पूछे कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास 20 लाख रुपया है क्या? कितना रखा है अकाउंट में तुम बताओ? उस समय अकाउंट नहीं था मेरा, पैसा रखने की बात क्या हो सकता है, उस समय मेरे पास अकाउंट ही नहीं था। तो मैंने बोला सर अकाउंट ही नहीं है तो पैसा कहां से आएगा? बोले तू 20 लाख कहां से लाएगा? बोले मांग लेंगे किसी से। बोले ठीक है तो 100 रुपया मांग ला। एक आदमी से 100 रुपया मांगने गया, वो क्या बोलता है? बैंक से निकालना पड़ेगा। था उसके पास, उसने नहीं दिया। उस दिन हमको एहसास हुआ असली जिंदगी क्या होती है। आप भरोसे बैठे हैं जिसके ना, वो सारे आपके हालात बिगड़ने के बाद लोग आपको तमाशा बना के रख देंगे। आपको आप बैठे रहिए ना, आपके मोहल्ला वाले आपको हेल्प करेंगे, आपको हेल्प सभी लोग हेल्प करेंगे। जब तक आपके जेब में पैसे हैं लोग हाल साल पूछ रहे हैं, जिस दिन पैसे खत्म हो गए उस दिन आपको फेंक देंगे बाहर। खड़ो इसको बाहर करो। लोग शादी तक में नहीं बुलाते थे हमको, शादी में आएगा तो शादी खराब हो जाएगा, गरीब का बच्चा क्या करेगा करके। और वही लड़का जब शादी में लोग आपको बुलाते आइए, पहले शादी में जाते थे तो शादी खराब हो जाता था, अब शादी में जाते हैं तो शादी अब भर जाता है, बढ़िया हो जाता है। बाहर पैसा क्या गुण है पैसा का। आदमी वही है जो 11 साल 12 साल पहले था, और आज भी वही आदमी है। बदला क्या? इसे समझ में नहीं आता है। संस्कृत का टीचर हमको एक चीज बताए थे कि बेटा विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, याद रखना ही जिंदगी है। हमने उसको याद रख के बढ़ रहा था, बट आज के युग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सिस्टम उलट गया, आज विद्वान सर्वत्र पूज्य थे नहीं है। होता तो बीए पास टेम्पू नहीं चलाता। आज धनवान सर्वत्र पूज्य थे, ये आज का सिचुएशन। अगर आप उस सोच के साथ बैठे हैं तो गया, मार्केट से उड़ जाएंगे आप। आज धनवान को लोग पूछते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं कोई मतलब नहीं है, आप पैसा वाले हैं ना, ओके बहुत बढ़िया आदमी आप, आपका लोग आगे पीछे सब चलेंगे। ये क्या है, ये सब खेला किसका हो रहा है? सब पैसा खेला हो रहा है। सर ने मुझे बताया कि अगर 5 साल जैसे मैं बोलता हूँ वैसे तू कर लिया बेटा तो पक्का है तू 1 लाख पर पहुंच जाएगा। ये बतवा मेरे को हजमे नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? 1 लाख रुपया जो आदमी को 4,000 रुपया नहीं कमाने आता है वो 1 लाख कैसे कमाएगा? अरे 5 साल बाद तेरे पैर के नीचे तार होगी। ऐसे ना आपको भी सीनियर लोग आपको बोलता है, अरे सर आप काम करो, आपको घर आएगी, कार आएगी, लाखों रुपए आएगी, बैंक बैलेंस आएगी। काम को फेंक रहा है उनको बजाने वाला आज ऐसे हमको फेंका गया तो हमको भी ऐसे लगा कि लगता मैं बजा। लेकिन धीरे धीरे मेरे दिमाग में जो कचरा था कि ये फंसने और फंसाने वाला व्यवसाय है, फंसने और फंसाने वाला धंधा है, पहले इसमें खुद फंसो फिर दुनिया को फंसाओ। लेकिन आज 12 साल के बाद बोल रहा हूँ मैं आपको इसी स्टेज से कि ये फंसने फंसाने वाला धंधा नहीं है दोस्त, ये फंसे हुए लोगों को निकालने वाला धंधा है। जो फंसा हुआ है अगर वो निकलना चाहता है ना, वो यही से निकल सकता है, और कहीं रास्ता नहीं है। आप घूमिए ना, मैंने 12 साल कमाया तो बुझाया हमको, आपको उतना कमाने के लिए नहीं करना, आपको केवल बस डायरेक्टली बात मान लेना है। छत पे से कूदो का गोल टूटेगा, मैं बोला ना आप मान लो, नहीं मैं मानू मैं जाओ तोड़ो तोड़ के आओ, लगेगा 12 साल तो हो रहा तो समझ में आ रही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे समझ में आया, मैं फिर उतरा और मैंने होम मीटिंग से स्टार्ट किया। यानी आपको भी ध्यान से देखना कैसे जिंदगी मेरा बदला और कहां से गेम शुरू हुआ। गेम शुरू कहां से हुआ? होम मीटिंग से। अरे ये चीज वाला नहीं करते, होम मीटिंग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ये सब बड़ा मीटिंग नहीं होगा, ये सारा बिजनेस का जड़ कौन है? होम मीटिंग। ये सारे महिलाएं हमको देख के मुस्कुरा रही है, हमको तो थोड़ा अंदर अंदर लाज लग रहा है, लेकिन हम करे तो खाकर कूद गए हैं मैदान में, तो अब जो होगा देखा जाएगा। भैया पैर में घुंघरू बांध लिया तो नाच नहीं है। फील्ड में गया, मीटिंग किया, ये महिलाएं नहीं जुड़ी मेरे से,
इनको बहुत ही समझाया नहीं जुड़ी, लेकिन दो साल बाद मेरे ही टीम में जुड़ी। आपको यही जुड़ा है, नहीं बस समझे कि नहीं जुड़ेगा, वो कोनो कोनो के टीम में ही आएगा। हो सकता है आपका नहीं हो, किसी और का होगा, सब आप ही करेगा। आपको छोड़ो ना, बीस होना चाहिए आपको, आपका बीस वो है, अगर बाकी जो सबका ना बीस बीस को चाहिए, तो सबको आप ही ले लीजिएगा, तो बाकी वो कहाँ जाएंगे। इसलिए भगवान ने सबके लिए बीस बीस साल भेजा है। तो जरूरत क्या है, सबको बताते चलो, सबको बता, जो आपका होगा वो आ जाएगा, जो नहीं होगा वो नहीं आएगा। आप उसको कितना मेहनत करो नहीं आएगा, तो जो नहीं आता आप उसको जिसको लाना है लाना, तो जो तोड़ा है दूसरा कहे तोड़ा थोड़ी है, वो किसी और का होगा। उसके बाद घर में किया, फिर सेंटर मीटिंग किया, फिर सेंटर मीटिंग किया। ऑफ मीटिंग, मीटिंग करने का एक बिजनेस है। जितना ज्यादा मीटिंग आप करेंगे आपका जिंदगी उतना जल्दी बदलेगा। सिंपल सा बात है, मीटिंग करना होगा। और मीटिंग का नतीजा यही हुआ कि मेरे पास स्टार्ट करने के लिए डायरेक्शन यही था मेरे पास। हम सब हल्का गाड़ी इसलिए रखते थे कि आदमी हल्का है ना, इसलिए ज्यादा भारी रखेंगे तो सारा गेयर गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम साइकिलें चलाते चलाते हार जाएंगे, हमने वाले के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यही था मेरे पास जिसे हम स्टार्टअप किया। उसके बाद धीरे धीरे मेरे चेंजिंग आना शुरू हुआ, मेरे पास सेकंड हैंड मोटरसाइकिल आया, फिर मेरे पास नया गाड़ी आया ये गाड़ी, उसके बाद अभी मेरे पिताजी के लिए मैंने एक स्कूटी खरीदा, फिर नया स्कूटी खरीदा, और फिर अभी 31 अगस्त को मैंने एक बाइक खरीदा। कुल मिलाकर 5-6 बाइक मैंने खरीदी। क्या करते थे मेरे पिताजी, साइकिल पर कपड़ा बेचते थे, 20 साल कपड़ा बेचे, कर्ज में दबे हुए थे, एक घर में रहते थे, आज तक पैर सीधा करके नहीं सोए, ऐसे सोना सोचो ऐसा होता होगा, ऐसा मजा आता होगा जिंदगी में, घर में उसी में खाना है, उसी में सोना है, उसी में करना है, सब उसी में करना है। लेकिन थैंक्स टू डायरेक्शन सही टाइम पर मिल गया, और सही टाइम से ज्यादा जरूरी है, कोई टाइम सही नहीं होता है, जैसा समझ में आ गया वही सही टाइम है। सिंपल सा बात, अगर आपको आज समझ में आ गया तो आपका सही टाइम है, सिंपल आज का समय। उसके बाद मेरे जिंदगी में पहली बार 2013 में कार आई, नैनो कार, इसलिए मैंने नैनो खरीदा क्योंकि आदमी भी नैनो है ना, इसलिए गाड़ी भी ज्यादा बड़ा नहीं रखने का, नहीं तो लोग सोचेंगे ये क्या लेके चल रहा है, सवारी गाड़ी तो ले लेके चल रहा है, तो छोटा गाड़ी आराम से अपना कहीं भी चलिए, मैंने इससे चला कई साल तक। उसके बाद मेरे जीवन में फिर दूसरी गाड़ी आती है 2017 में, ये टाटा की टियागो कार, इससे मैं चला कई साल तक, इससे भी चला। उसके बाद अभी मेरे पास वर्तमान में टाटा के अल्ट्रोज 10 लाख की कार है, जो मैंने डीएसएल से कमा के खरीदा। इतना कुछ हो सकता है डीएसएल, बस इसके एक गलती मत करना, ये देखने में जितना हल्का लगता है बिजनेस, उसको हल्का में लेने की कोशिश नहीं करना। जो इसको हल्का में लिया वो हल्के में चल गया, इसलिए हल्का नहीं करना। उसके बाद गोवा, 3-3 बार मैंने गोवा गया घूमने के, वो सब कुछ डायरेक्शन से हुआ। उसके बाद ताजमहल 2-2 बार गया, इंडिया में इतना जगह गया, मैं घूम लेते फोटो दिखाते दिखाते मीटिंग खत्म हो जाएगा, इसलिए उतना नहीं। मैं कुछ कुछ मेन मेन पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, अगर इंडिया के बाहर चलते हैं, 2016 में मॉरिशस, 2017 में मैंने दुबई की यात्रा किया, उसके बाद 2018 में सिंगापुर, उसके बाद उसी समय मलेशिया कुआलालंपुर क्रूज पे गया, पेनांग शहर गया, थाईलैंड गया, और अभी लास्ट टाइम 2019 बाली हम लोग घूम करके आए। 6 बार 12 साल में अभी तक 6 बार मेरा फॉरेन ट्रिप डायरेक्शन से हो चुका। आईआईटी करते तो कैट्रिक मार देते, कैट्रिक मार देते, तो तैयारी जिस तरह से लोग आईआईटी करने के लिए करते हैं, जिस तरह से एमबीबीएस करने की तैयारी करते हैं 5 साल, अगर वो 5 साल डीएक्शन की तैयारी कर ले तो रियली में जंग जीत जाएंगे। जैसे वहां तैयारी करते हैं बिना पैसा के, पैसा नहीं आता है तब वो आप तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं, रात दिन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ नहीं पढ़ते हैं। ये भी तपस्या की तरह है, लेकिन तपस्या 2 तरह का होता है। एक तपस्या क्या होता है, आदमी आंख बंद किया पैर सीधा किया और शंकर जी को जप रहा है, नमः शिवाय जप रहा है, और उसके बाद 10 मिनट के बाद आंख खोल के देख रहा है शंकर जी आए हैं नहीं आए, फिर थोड़ा देर बाद चालू हो गया, नमः शिवाय शंकर जी आए, ऐसे तो जिंदगी में आएंगे शंकर जी, कभी उसे उसको आएंगे कभी शंकर जी नहीं आया, वो बेचारा 10-10 मिनट में खोल खोल के देख रहा था नहीं आया, लेकिन एक दूसरा आदमी था वो जो आंख एक बार बंद किया सो बंद रह गया उसका, वो खोला ही नहीं जब तक शंकर जी स्वयं आके नहीं खोले मैं आ गया, अब तू आंख खोल।
टाइम लगता है, तुरंत तपस्या थोड़ी होती है कंप्लीट। आपका एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल जैसा लगेगा उस आपका तपस्या है। आप लोग काम करते हैं, काम करते करते एक महीना काम करेंगे, देखिए कितना बोनस आया, 60 रुपया। तब शंकर जी नहीं है, शंकर जी आएंगे भाई, शंकर जी आएंगे। आप चिंता क्या कर रहे हैं आप? आप एक बार तो आंख बंद कीजिए, 3 साल तक आंख बंद रखिए, नहीं हो सके उतना तो कम से कम 1.5 साल आंख बंद कीजिए। स्वयं 1 लाख का बोनस आगे बोला गया, आप खुद आ गया। आपको बताना नहीं है, ये पेशेंस का बिजनेस है, धैर्य का बिजनेस है। अब आप सोचिए ये सब हुआ कैसे, ये सब मेरे कारण नहीं हुआ, ये सब होता है अपलाइन खेलता है खेला। ये खेला खेलने वाला कौन है? अपलाइन। अगर इसका हाथ पकड़े रहेंगे ना, जिंदगी में कभी किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा, इसका हाथ पकड़े रहना कभी नहीं। और मेरे अपलाइन कौन है आप जानना चाहेंगे? जोरदार ताली होना चाहिए। मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाए श्री के अग्रवाल सर, आज भी हैं साथ में। हम हमेशा इनके से सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। आज तक जो कुछ भी हम पाए हैं वो सब कुछ इनसे सीख करके ही हमने आज आपको बीच में रखने वाला हूँ, और जो भी आज बना हूँ उसका श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि इनके कारण हम हैं। हम तो केवल एक मिट्टी है, इस मिट्टी को बर्तन बनाने का काम कुम्हार का होता है, क्योंकि हमारे कुम्हार यही है। हमेशा इज्जत करना, रिस्पेक्ट अपलाइन को हमेशा हमेशा करना। कभी भी कुछ डांट दे, कुछ बोल दे तो उसका जवाब नहीं देना। हो सकता है उसकी डांट के पीछे भी कोई कारण हो जो आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको बाद में दिख जाएगा कि अपलाइन ने मुझे इस टाइम पे क्यों डांटा। कोई नहीं, अपलाइन अपलाइन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। मेरा टीम में जितना भी लोग है सबसे मेरे से बड़ा ही होंगे ना, उन लोगों का मैं अपलाइन हूं तो मैं छोटा हो गया? नहीं, अपलाइन किसी भी उम्र का हो सकता है, हमेशा इज्जत करना है। वो भगवान का दूसरा रूप है, उसके दिमाग में आप हैं। ये कृपा है भगवान की, साक्षात कृपा है कि उसके दिमाग में आप हैं, और आपकी जिंदगी के बारे में अगर सोचने वाला कोई है तो अपलाइन ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। किसको फिक्र है आपकी जिंदगी के बारे में? किसी को फिक्र नहीं है। आप कैसे बढ़ेंगे, आपके घर में कार कैसे आएगी, आपके घर में घर कैसे बनेगा, आपके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, इसकी चिंता कौन लेकर बैठा है? और उसी अपलाइन से बस, वो भगवान है ना, उस अपलाइन को तो पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। लोग मेरा पैर छूता है, मेरा पैर छूने से कुछ नहीं होने वाला, अपना अपलाइन का पैर छू वहां से होने वाला, मेरा छू के काम होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला आपको। जो आपका अपलाइन है उसको प्रति आप सरेंडर रहिए, उसके प्रति समर्पित रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपलाइन का वो पावर होता है कि वही पावर के कारण आज हम यहां पे हैं। पावर मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपलाइन की बात को 100% मानेंगे। एक बार हाथ उठा के बोलेंगे यस। अरे वाह, एक जोरदार ताली आप लोगों के। दोस्तों आपके सामने 3 रास्ता है, आपको चॉइस करना है आप किस रास्ते से चलना चाहेंगे। सीखने के रास्ता सर। हाँ, पहला रास्ता है डर का रास्ता। किस चीज का डर? कोई मारेगा नहीं। जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको एक डर आएगा आपके अंदर। क्या डर आएगा? मेरे से होगा कि नहीं होगा, फेलियर का डर। और ये आपको मार डालेगा, इसमें जितने लोग चले हैं सब खत्म हो गए, एक तो नहीं बचे। कभी भी अपने दिमाग में ये आने नहीं देना है मेरे से होगा या नहीं होगा। और दूसरा है लालच का रास्ता, जो कि बहुत ही डेंजरस है। इतना सच धज के आती है ना, देख के कोई फिदा हो जाएगा उसके। वो लालच वाला जो आदमी होता है ना, वो लेडीज होता है, वो इतना सच धज के आती है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बह जाते हैं उसके भावनाओं में। सावधान रहिएगा, ये देखने में जितना खूबसूरत है अंदर से उतना ही खुखार है, बच के रहिएगा। इसका पहचान बहुत सिंपल है। क्या पहचान है? ये हमेशा आपको मेहनत करने से हटा देगा। वो आपको बोलेगा इतना मेहनत क्यों करते हैं भाई, इधर इसमें करो फटाक से पैसा आ जाएगा। जहां मेहनत हटा समझ लीजिए कि आप गए गलत ट्रैक पर। आप गए आप, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता है दोस्त। लाख सक्सेस आपको बता दिया जाए फॉर्मूला, सक्सेस से हो स्ट्रगल से होकर के ही, संघर्ष से होकर के ही आपको वहां तक पहुंचना है। बिना संघर्ष के आपको मिलने वाला नहीं। तो लालच हमेशा आपको भटकाएगा। और पहचानने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप पहचान सकते हैं। तीसरा रास्ता आपके
के सामने सीखने का रास्ता, और यही वो रास्ता है जो आपको सफलता की तरफ लेके जाता है, जो आपको सफलता तक ले जाके पहुंचा देता है। तो आपको अपने जीवन में चॉइस करना है, डर का रास्ता से चलेंगे कि लालच के रास्ता से चलेंगे कि सीखने के रास्ता से। सीखने के रास्ते हमेशा, केवल आज नहीं, ऑलवेज, जब तक जिंदगी है तब तक आपको किस रास्ते को धरे रहना है, सीखने के, इसको पकड़े रहना है, सीखने के, इसको पकड़ना है, सीखने के। कभी भी मैं नहीं बोला, मैं सब जानता हूँ। गरीब का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गरीब आदमी बोलता है मैं सब जानता हूँ, और अमीर आदमी बोलता है मैं भी सीखा हूँ। क्या फर्क है? गरीब को सब पता हो गया, और जो बोलता है हम सब जानते हैं, समझ लीजिए कि उसको कुछ पता नहीं। उसका पहचान खुद बोल रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट बोल रहा है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। तो हमेशा आपको सीखने के रास्ता पे अपने आप को बैठा के रखना है। इसके बारे में बहुत बड़े स्पीकर के द्वारा बोला गया है, मैंने उन्हीं की स्पीच से ये लाइनें मैंने तैयार किया है, आप अगर सुने होंगे तो आपके पास होगा। अब एक सवाल आता है, कितने लोग पहली बार आए आज? आज आए पहली बार, क्या बात है? इसमें कोई ऐसे आदमी है जिनको कोई तकलीफ है, बीमारी है, रोशन जी आए हैं, इलाज हो जाएगा आज मेरा, कोई दवाई वाई हम बता देंगे आपको, ऐसा कोई है? हाँ, दो लोग हैं। आप लोगों को कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं यहाँ पे जिसको कोई बीमारी है? हाँ, एक है, एक बीमारी वाले पेशेंट वाले हैं। आप खाली हमको बता दीजिए कि आपको बुलाया कौन? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, खुद कैसे आना? तो आप पुराने थोड़ी, अब तो नए थोड़ी हो गए, आप तो पुराने हैं ना, आप बैठिए ना, आप बैठिए। नया आदमी बिल्कुल ब्रांड न्यू एकदम, एकदम नया आदमी जिसको बीमारी का इलाज करवाना हो, आप बताइए फट से, तुरंत मैं बता दूंगा आपको। कोई नहीं है, मेरा भाई है। आपका भाई है? उनको बीमारी है? थोड़ा है। पढ़ता मतलब? हाँ, आप है ना? हाँ। आपको कौन बुलाया? ये बुलाई। इनको कौन बुलाया? इनकी वहाँ बैठी है। सबसे पहला चीज समझ लीजिए, ये बीमारियों का बिजनेस नहीं है, इलाज उनका नहीं होना जरूरत है, सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत इनको। बीमार हो नहीं है, बीमारी है। अगर आप बीमारी के तरफ पकड़ लेंगे ना, आपका झगड़ा कभी बढ़ नहीं सकता। क्या नुकसान है, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, सुनिए। ठीक होगा तो खाना छोड़ देगा, नहीं ठीक होगा तो भी खाना छोड़ देगा। दोनों में घाटा किसका? हमारा। उधर घूस रहे आप यहाँ धंधा पैसा कमाने आए थे ना? आप कहाँ पहुँच गए? आप पहुँच गए और उसका